पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश भर के वैज्ञानिक संस्थानों में अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस की ओर से जिले के कई शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष विज्ञान पर व्याख्यानों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। इसके अंतर्गत खगोल विज्ञान के महत्व, आदित्य L1 मिशन, सूर्य व सौर मौसम, एस्ट्रोसैट जैसी अंतरिक्ष दूरबीनों आदि विषयों पर एरिस के वैज्ञानिकों ने छात्रों से चर्चा की गई। वहीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत ने बताया कि राज्य के हर एक जिले में साइंस सेंटर खोला जा रहा है, जहां विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड जैसे राज्य में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, जो सीमांत क्षेत्र हैं, उसमें से आप जानते हैं, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजीज हों, चाहे सेटेलाइट टेक्नोलॉजीज हों, चाहे GIS हो, चाहे रिमोट सेंसिंग हो, उसमें अपार संभावनाएं हैं और उसमें लगातार कार्य हो रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तराखंड राज्य को इसकी विशेष रूप से आवश्यकता है और इस स्पेस डे से हम उन सभी मानदंडों को प्राप्त कर पाएंगे।